वेल लेंसेज आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो F1, F2 दो लेंसेज हैं, बीच की डिस्टेंस डी है, तो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला आता है 1/F इक्विवेलेंट 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डी अपॉन एफ इक्विवेलेंट। ये मैंने गड़बड़ कर दिया, 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डी अपॉन F1 F2 होता है, माइनस डी अपॉन F1 F2 होता है, ठीक है? 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डी अपॉन F1 F2। और जो इसमें आपको इक्विवेलेंट लेंस अब कहीं रखना भी होगा, क्योंकि इसमें एक पोजीशन तो है नहीं, बीच से डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो कहाँ रखेंगे? तो उसका भी आप याद रख सकते हैं कि जो लेंस आप इक्विवेलेंट रखते हैं, कभी कोई पूछ ले तब है बेटा एक्स कहाँ पर है, डी एफ इक्विवेलेंट अपॉन F1 डिस्टेंस पर आएगा, इस वाले लेंस से कहाँ पर आएगा, डी एफ इक्विवेलेंट अपॉन F1 डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए। बट ये फार्मूला यूज करना ही नहीं है आपको, मैं तो कहूँ, ठीक है? डायरेक्टली कोई पूछ ले कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंसेज, ठीक है? तो है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, फॉर द इज दिस ट्रू फॉर स्पेशल केस ऑफ पैरेलल इंसिडेंट बीम। ये जो डिराइव किया गया है केवल तभी सही है जब इस पर रेस पैरेलल गिर रही है, ठीक है ना? तब आप बता सकते हैं कि सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी होगी, मतलब यहाँ से कितनी दूर फोकस करेंगी वो, ठीक है? क्योंकि बाकी के लिए वैलिड नहीं होगा। बाकी फिर आपको कैसे करना है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस अबव इक्वेशन विल नॉट बी यूज्ड इन दैट केस फॉर इमेज पोजिशन, इन दैट केस फाइनल इमेज पोजिशन शुड बी वर्कड आउट यूजिंग द लेंस इक्वेशन फॉर द टू लेंसेज सेपरेटली। तो मैं तो ये कहूंगा आपके पास पैरेलल आए कैसा भी आए, आप तो कभी न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है ना? गलती इससे अच्छा है कि आप पहले इसके कारण इमेज बना लें, उसको इसका ऑब्जेक्ट बना दें, इसके कारण फिर फार्मूला लगा दें। दो बार आप रिफ्रैक्शन किया, दो बार लेंस फार्मूला लगा के फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लें, वही ज्यादा सेफ मेथड है, और आपको इस तरह की सिचुएशन में उसी को फॉलो करना है, ठीक है ना? इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, बिल्कुल इसको यूज ही मत करिए, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी ऐसी, ठीक है ना? इसको यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चार ऑप्शन में दिख जाए कि बताओ कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी मेन में इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए आपको तो आप डायरेक्टली टिक कर दें, इसलिए याद कर लेंगे 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डी अपॉन F1 F2, ठीक है? नहीं तो बेसिक यही है कि आप जो है पैरेलल रेस के लिए वैलिड रहेगा और किसी तरह से वैलिड नहीं। उससे अच्छा तरीका, अगर आपको ऑब्जेक्ट किसी पोजिशन पे दे दे, आप इसके कारण इमेज बनाइए, फिर इसके कारण इमेज बनाइए, ठीक है? बट इस फार्मूले में जो SCV ने डेरिवेशन कर रखा है उसका एक छोटा सा पार्ट इम्पॉर्टेंट लगा मेरे को, जो कभी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? SCV ने डेरिवेशन में कर दिया कुछ भी, तो SCV कुछ भी कर दे तो प्रॉबेबल हो जाता है कि JEE में पूछा जा सकता है। वो जो पार्ट है वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, तो वो आप ध्यान भी रखिएगा, ठीक है ना? क्या पता एग्जाम में ना निकाल पाए आप एकदम से, एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, ठीक है? नहीं है छोटी सी चीज, बट इसने इसका यूज करा है इस फार्मूले के डेरिवेशन में। कोई समझना चाहता है फार्मूला उसके समझ आ जाए, SCV पढ़ के ना समझ में आए फार्मूला ऐसा नहीं हो सकता, बट बहुत बड़ा है तो उसको बोर्ड के लिए याद करना है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जो इंटरेस्टेड है वो देख ले एक बार, लेकिन उसमें जो एक यूज कर रहा है एक जो चीज, वो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, वो अलग से पूछी जा सकती है कभी, इसलिए बता रहा हूँ। देखो एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द लेंस, एक लेंस से एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कितना होगा, उसका एक डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला निकल के आ जाएगा H/F। कैसा आया देखो, मान लो रेज इधर जा रही है आपकी और इसकी इमेज इधर बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं बन गई। लेट से दिस एंगल्स आर अल्फा एंड दिस इज बीटा, और ये जिस हाइट पर गिर रही है, मान लो यहाँ से एच हाइट पर गिर रही है, तो इमेज की पोजीशन तो एच की इंडिपेंडेंट आती है जब तक पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन है, तो ये निकाल भी हम ओनली फॉर पैराक्सियल रेज ही रहे, जब तक पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन है ऑब्जेक्ट इमेज थोड़ी नहीं डिपेंड करता है कहाँ राइट गिरी, कहीं भी गिरे एवरी पार्ट ऑफ द लेंस इज अपने आप में एक कंप्लीट लेंस है, जैसे कि मिरर में हर छोटा टुकड़ा अपने आप में एक कंप्लीट मिरर होता था, वैसे ही लेंस में भी है, क्योंकि पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन में मैटर नहीं करता कि यहाँ गिरी वाली रेज है या वहाँ वाली रेज है, कोई भी जाएगी रिफ्रैक्ट होके इमेज पर पहुंचेगी, ठीक है? बट ये डेल्टा इस पर डिपेंडेंट आ जाता है। कैसे? देखो डेल्टा डेविएशन का मतलब यही है, मान लो एक रेज इधर आ रही थी तो इमेज पे जाएगी, तो इसका जो डेविएशन एंगल है ये वाला हो जाएगा क्या बेटा, देखना एक बार, डेविएशन एंगल ये हो जाएगा क्या डेल्टा, इसका क्या डेल्टा मैं लिख सकता हूँ क्या यू और वी की टर्म में अगर चाहूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो डेल्टा क्या हो जाएगा, वही एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगी डेल्टा की वैल्यू,
ठीक है, डेल्टा किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ गया। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ से लिखूं, ये अल्फा कितना आएगा, ये आएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन ओपी आ जाएगा कि, अब एंगल बहुत छोटे हैं, पर एक्सियल अप्रोक्सीमेशन है सब वो, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली बहुत दूर है, लेंस बहुत छोटा है, तो उन सब में आपका अल्फा काफी छोटा रहेगा, अल्फा बीटा। तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, एच अपॉन ओपी, प्लस बीटा कितना आ जाएगा, एच अपॉन पी आई आ जाएगा। दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंपल है एकदम। एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, तो टेन अल्फा लिख दिया आपने, टेन बीटा लिख दिया, ओपी क्या है आपका माइनस यू है, और पी आई क्या है वी है, तो एच अपॉन कितना बन गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बन गया। अब आपको पता है लेंस में वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू क्या होता है, एफ वन बाई एफ, तो बस कहाँ हाइट पर गिर रही है उस पर डिपेंड करता है डेविएशन उस रे का, ठीक है ना, ज्यादा हाइट पे गिरेगी तो फिर ज्यादा डेविएशन होगा, क्लियर है। तो लेंस का डेविएशन कभी पूछ लेंगे, क्योंकि प्रिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, अपन जो प्रिज्म पढ़ने वाले हैं उसमें एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक है। तो कभी लेंस में भी आपसे पूछने की कोशिश करे तो आप घबराना मत कि प्रिज्म में होता है तो लेंस में कैसे बताएं, तो सीधा सा आंसर है इसका एच बाई एफ आंसर होगा, ये जानना जरूरी है कौन सी रेस का डेविएशन पूछ रहा है। तो एच हाइट पर अगर ऑप्टिक सेंटर से कोई रे गिर रही है तो उसका डेविएशन कितना हो जाएगा, एच बाई एफ हो जाएगा, क्योंकि रे कहीं पे भी गिरे बेटा इमेज तो उसी जगह बनाएगी, यही पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मुझे बताइए, सारा इक्विवेलेंट वाला पार्ट खत्म हो गया है आपका, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट पावर पूछी जाए तो बस आप वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट हो जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना। पावर तो शुरू किया था अपने, पावर ऑफ लेंथ, लेंथ जुड़ जाएंगे तो वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट कितनी हो जाएगी आपको निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, तो वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट से निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को, इसके बाद अपन निकलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक।